दोस्तों, आप कैसे अपने वेबसाइट के ऊपर दिए गए मेनू को कैसे HTML द्वारा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से अपने ये ऊपर दिए हुए मेनू को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। साथ ही आप डाउन वाले भी मेनू को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आज कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप ब्लॉगर वेबसाइट पर हैं तो फ्रेंड आपको अपने होम पेज पर आ जाना है ब्लॉगर के। और जब पेज पर आ जाएंगे होम पेज पर, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। लेकिन आपको जो अपना थीम कस्टमाइज करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर साइड में कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर आपको एक लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर अपना जो थीम का लेआउट देख रहे हैं, तो कहीं कहीं पर आपके थीम का जो लेआउट है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आप यहाँ पर अपने वेबसाइट को एडिट नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऐसे दिया है आपको जो मेनू वगैरह हैं, वो HTML के जरिए ही आप कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। तो चाहे मेनू हो या बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको हेडर और फुटर में मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ आप HTML से ही एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है कि HTML से कैसे एडिट करें अपने मेनू वगैरह को, सिर्फ आप लेआउट से जानते हैं, अगर लेआउट से भी नहीं जानते हैं, तो वो मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने थीम को HTML के जरिए एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने मेनू को। तो कैसे करेंगे, तो चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक थीम का ऑप्शन मिल जाएगा लेआउट के जस्ट नीचे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मैं मेनू के लिए बता रहा हूँ, तो मेनू आप कैसे एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मेनू देखना है, तो आपको देख लेना है आपका मेनू। जैसे कि मैं मालूम यहाँ पर आपको ये फर्स्ट मेनू करना है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ ट्यूटोरियल का दिख रहा है, डेवलपमेंट का दिख रहा है, तो आपको ये मेनू नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी का ले लेता हूँ, तो इसको मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। तो आपको अपने वही पेज पर आ जाना है, आपको थीम पर क्लिक कर देना है। थीम में क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको जो अपनी स्क्रीन देखने को मिल रही है कंप्यूटर पे और ये मोबाइल पे, इस तरह से दिख जाएगी आपको। यहाँ कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर HTML में बताने जा रहा हूँ, एडिट HTML पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो कुछ आपको इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको अब क्या करना है फ्रेंड, इसलिए मैंने आपको बताया मेनू डेवलपमेंट का। तो आपको वो नाम, जैसे कि यहाँ पर जैसे ही मैंने अभी देखा, तो ये जो नाम है आपको इस नाम को याद रखना है। या तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, या तो आप डायरेक्टली वहाँ पर सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर डेवलपमेंट सिक्योरिटी है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और आपको जो इंटरफेस इस तरह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से लेके आपका ऊपर तक ये पूरा जो मेनू है, ये सारा जो डाटा है वो आपका HTML में है, जो आपकी पूरी वेबसाइट है आप यहाँ से ही एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी आप सेट करना चाहते हैं। अगर आपको HTML आता है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आपको मैं बताने वाला हूँ मेनू आपको कैसे करना है। तो आपको जैसे कि मेनू पता है आपका, वहाँ पर डेवलपमेंट का चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर जैसे कि अभी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, मैं इसे हटा देता हूँ, और आपको यहाँ पर साइड पे आकर कहीं पर भी क्लिक कर देना है, सिर्फ क्लिक। और उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल ऐप दबाना है। कंट्रोल ऐप दबाने के बाद यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि मैं डेवलपमेंट का आपको बता रहा हूँ, ठीक, तो वो आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको एंटर कर देना है। जब आप एंटर करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है जो कि डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, येलो भी करके आ सकता है ये। इस तरह से जब आ जाएगा आपका, उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे कि होस्टिंग, डोमेन, यहाँ पर वेब डिज़ाइन, टेम्पलेट्स, ब्लॉगर, इंटरनेट सिक्योरिटी, ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस, इस तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। डाउन ऑप्शन है ये उसके, तो एक बार हम देख लेते हैं, यही ऑप्शन है उसके नीचे। तो आपको यहाँ पर जब देखेंगे, तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे होस्टिंग, वेब डिज़ाइन, टेम्पलेट्स, इंटरनेट और ब्लॉग एंड वर्डप्रेस, तो इस तरह से आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं वही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप इन्हें आप चेंज कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक है, यहाँ पर HTML में कोडिंग है ये, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर डेवलपमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको आपको अगर चेंज करना है, तो आपको सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, या आप बैक बटन दबा के भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर जो भी नाम देना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, अगर आप टैग से रिलेटिव कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर टैग लिख दिया। और सिक्योरिटी के अलावा आप कुछ और देना चाहते हैं एंड, अगर आप यहाँ पर नहीं देना चाहते तो आप इसे बैक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सिक्योरिटी के अलावा कुछ भी दे रहा हूँ, तो टैग एंड इन्फो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपको जब लिख देंगे चेंज करने के बाद, तो आप एक बार सेव थीम पर क्लिक करेंगे आप, तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो सेविंग होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से देखिए अब सेव थीम हो चुका है। तो इसके बाद आपको फिर से अपने थीम पर जाना है, और जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको वही लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको एक बार यहाँ पर जाकर इसको रीलोड पेज करना है। तो आप रीलोड पेज करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट की जगह देखिएगा, आपको अभी नाम चेंज मिलेगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पर टैग इन्फो करके आ चुका है, जो हमने नाम चेंज किया था।
तो आपको अब यहाँ पर डेवलपमेंट का नाम नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही आपको अब मैं बताऊंगा, इस तरह से आप बाकी मेनू को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वहीं पर आपको मिल जाएंगे थोड़ा ऊपर नीचे करके। तो जैसे कि यहाँ पर अभी आपको दिख रहा था यहाँ पर डेवलपमेंट और सिक्योरिटी का था, ऐसे ही अगर आपको दूसरे ऑप्शन करने हैं तो जैसे कि यहाँ पर आपको बराबर में कौन सा ऑप्शन है मैं एक बार फिर से देख देता हूँ। जैसे ही आपको यहाँ बराबर में दिख जाएगा होम है, ट्यूटोरियल है, ऑनलाइन है और भी दो ऑप्शन हैं। तो ऐसे ही ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल जाएंगे, आपको फिर से अपने HTML में आ जाना है। बराबर जैसे ट्यूटोरियल था वो आपको यहाँ पर मेनू देखने के लिए मिल जाएगा, उसके नीचे के जितने यहाँ के डाउन मेनू हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग, सोशल वगैरह जो भी दे रखे हैं, कंप्यूटर ट्यूटोरियल तो वीडियो है। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपना आपको टैग इन्फो के बाद आपको जैसे और बराबर में ऑनलाइन बिजनेस का था वो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी तरह से आप इनका भी नाम चेंज करके आप मेनू चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने आपको अब मेनू बता दिया है फ्रेंड, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप डाउन मेनू को कैसे कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको फिर से उसी पेज पर पहुँच जाना है। उसके बाद पहुँचने के बाद आपको टैग यहाँ पर इनपुट दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर होस्टिंग एंड डोमेन का ऑप्शन है। तो आपको टैग इनपो में जैसे कि मैं मान लूँ यहाँ पर आपको होस्टिंग की जगह जो नाम देना चाहते हैं वो दे देंगे। तो यहाँ पर टैग इनपो में जैसे कि मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, टैग में जैसे कि यहाँ पर जैसे एंड्रॉयड से रिलेटिव आपको देना है कुछ यहाँ पर, तो आप टैग इन्फो में तो आपको भाई लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड, ठीक है, तो एंड्रॉयड यहाँ पर मैं दे दूँगा, ऐप्स यहाँ पर लिख दिया है ऐप्स। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर सेव थीम पर क्लिक करना है, और उससे पहले जब आप यहाँ पर चेंज कर देंगे तो उसके बाद सेव थीम पर ज़रूर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे सेव थीम होने के बाद ही हम दोबारा से उस थीम पर जाएंगे जहाँ पर हमारा व्यू दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको व्यू जो ब्लॉग पे आ रहा है तो उसके बाद ही जाएंगे। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर सेव थीम पे क्लिक करने के बाद फिर से अपने थीम पे चले जाना है व्यू पर, और आपको यहाँ पर एक बार फिर से जैसे टैग के बाद यहाँ पर होस्टिंग और डोमेन की जगह हमने चेंज किया, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फिर से पेज को एक बार रीलोड करना पड़ेगा। पेज रीलोड हो चुका है, और रीलोड होने के बाद आप जब इस पर आएंगे ऑप्शन पर टैग इन्फो पे, तो जो अभी आपने नाम दिया था एंड्रॉयड एंड ऐप्स, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो नाम चेंज किया था वो अब यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं खुल रहा है। तो इसका कारण क्या है, ऑप्शन क्यों नहीं खुला है? तो आपको ऑप्शन क्यों नहीं खुला है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका URL डाला ही नहीं है। जब तक आप URL नहीं डालेंगे तब तक कैसे खुलेगा यहाँ पर? तो आप URL अब कैसे यहाँ पर सेट करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जो लेबल्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें टैग्स बोलते हैं, तो आपको ये चीज़ बनानी होती है। जब आप पोस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं तो आपको ये चीज़ें लेबल देते हैं, तब यहाँ पर आपके ये टैग्स आ जाते हैं जो लेबल्स कहलाते हैं। तो इन्हें के जैसे एक कैटेगरी भी बोल सकते हैं आप। तो इनके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि एंड्रॉयड, तो आपको एंड्रॉयड को मैंने किया वहाँ पर, तो आपको एंड्रॉयड पर क्लिक करना है। जब आप एंड्रॉयड पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, और उसके बाद जब एंड्रॉयड का पेज खुल जाएगा तो आपको वहाँ पर एंड्रॉयड की पोस्ट दिख जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड रिलेटिव दो पोस्ट डाल रखी हैं। तो यहाँ पर जो आपको पोस्ट दिख रही है, तो यहाँ पर जो आपको टैग दिख रहा है एंड्रॉयड का, ये ऊपर आ गया है, ठीक है। तो जो भी उसके टैग्स हैं जैसे कि आपको यहाँ दिख जाएंगे यहाँ पर फ्रेंड। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर एंड्रॉयड का टैग दिख रहा है तो आपको ऊपर की तरफ ये जो सर्च बार है आपको दिख जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप इस पर सिलेक्ट हो जाएगा तो आप इस सारे URL को फ्रेंड जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से URL सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं हो रहा तो आपको मैनुअली इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है। जब आप इसे कॉपी कर लेंगे तो उसके बाद हम फिर से चलते हैं उसी पेज पर। जब आप इस पेज पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर जैसे कि फिर से एंड्रॉयड एंड ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको जो यहाँ पर कोड दिख रहा है HTML का, तो आपको स्टार्टिंग में आना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है हैज, जो ये हैज दिख रहा है तो आपको इस हैज को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके एक बार बैक बटन दबाना है और इसको हटा देना है। इसके बाद आपको जो URL आपने कॉपी किया था इस पर राइट क्लिक करने के बाद, या आप डायरेक्टली इस पर पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बीच में ही करना है, तो कंट्रोल वी कर सकते हैं। इसके बाद जब आप पेस्ट कर देंगे तो जो आपका URL है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, URL आ जाएगा तो एंड्रॉयड वाले में आ चुका है, आप इसको सेव थीम पर क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पर सेव थीम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब ये सेव हो जाएगा तब हम फिर से जाके थीम व्यू देखेंगे, और वहाँ पर आपको चेंज हुआ है नहीं हुआ है, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर सेव थीम हो चुका है। अब हम फिर से चलते हैं उसी जगह पे, और पहले हम आ जाते हैं होम पर। तो जैसे कि मैंने होम पर अभी क्लिक कर दिया है, होम पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से जब व्यू आ जाएगा आपका, उसके बाद आपको फिर से अपने टैग इन्फो पर आ जाना है। जब आप इस पर आ जाएंगे तो जैसे कि एंड्रॉयड का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है
अभी ये खुल रहा है नहीं खुल रहा है ये चीज़ हम देखते हैं। तो अभी देख रहे हैं आप प्रोसेस हो रहा है ऊपर, ये खुल गया है। तो अब यहाँ पर क्या दिक्कत थी, जैसे कि हमने वहाँ पर URL नहीं दिया था, अब URL दे दिया है। तो हम जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर आपकी पोस्ट खुल जा रही है, और साइड में जो बाकी आपकी पोस्ट हैं रिसेंट वगैरह वो दिखेंगे ही। और जो आपने यहाँ पर टैक्स सर्च किया वो आपको यहाँ पर नाम दिख जाएगा और इस तरह से आपकी जो पोस्ट है वो आ जाएगी। तो फ्रेंड इसी तरह से आप बाकी के यहाँ पर ऑप्शन जो मेनू है वो इसी तरह से आप यहाँ पर इसे कस्टमाइज कर सकते हैं मेनू। अगर आपको लगता है मेनू ऐड कैसे करना है, बाकी और भी बराबर में कहीं ऐड करना चाहते हैं या बीच में ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, जैसे कि आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है अपना टैग एंड इन्फो का, जो भी अभी हमने चेंज किया था। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आपको LI का ऑप्शन दिख रहा है, ये UL का ऑप्शन है। तो जो कि आपको ये UL का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड UL दिख रहा है, मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मतलब ये मेनू यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ तक करना है। और इसे आप जब कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार इधर कॉर्नर पर आके एंटर कर देना है। जब आप इसे एंटर कर देंगे तो जब आप उस मेनू को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ऊपर से इसे पेस्ट कर देना है। तो जब आप पेस्ट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर एक मेनू और ऐड हो जाएगा और आप यहाँ पर एक मेनू और ऐड कर पाएंगे। तो उसके साथ आप डाउन मेनू भी ऐड कर पाएंगे। तो फ्रेंड आप कुछ इसी तरह से अपने जो मेनू हैं आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, अभी हमने चेंज किए हैं, तो आप कुछ इस तरह से ही अपने जो भी बाकी मेनू हैं वो डाउन में इसी तरह से ही आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। साथ ही आप ऊपर के मेनू भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। तो इसी तरह से अपने बाकी भी आप मेनू कस्टमाइज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।